हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर आसिफ साइबर वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। कविता छीनी गई, फूल मुरझाए हया के, गुल सितार रोने लगा। फूल मुरझाए हया के, गुल सितार रोने लगा। गुल सितार रोने लगा, जुल्म भी थर्रा गया। जुल्म भी हैरत में है, जब्र भी शर्मा गया। जुल्म भी हैरत में है, जब्र भी शर्मा गया। पैर उखड़े सब्र के भी, जुल्म भी हैरत में है, जब्र भी शर्मा गया। पैर उखड़े सब्र के भी, करबला रोने लगा। पैर उखड़े सब्र के भी, करबला रोने लगा। तीर परछी नेजे भाले, तेग और खंजर सभी। तीर परछी नेजे भाले, तेग और खंजर सभी। जो लगा शब्बीर को वो बेज़बान रोने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इमामे हुसैन। ला ला ला, जो लगा शब्बीर के जो लगा वो बेज़बान रोने लगा। और सुनते ही जिक्रे शहादत हजरते शब्बीर का, सुनते ही जिक्रे शहादत हजरते शब्बीर का। बच्चा बच्चा, मर्द औरत, नौजवान रोने लगा। बच्चा बच्चा, मर्द औरत, नौजवान रोने लगा। सुन के जिक्रे करबला सारा जहां रोने लगा। और जब हुसैन पाक के घोड़े ने ना पानी पिया, जब हुसैन पाक के घोड़े ने ना पानी पिया, तो अपनी किस्मत पर फिरा, तो अपनी किस्मत पर फुराते नातवा रोने लगा। तो अपनी किस्मत पर फुराते नातवा रोने लगा। कांप उठी रूह आसिफ, जिस्म भी थर्रा गया। कांप उठी रूह आसिफ, जिस्म भी थर्रा गया। याद आई जब सकीना, दिल मेरा रोने लगा। याद आई जब सकीना, दिल मेरा रोने लगा। हसरात पुराने मुकद्दस में पाक परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, जो रब की बारगाह में शहीद किए जाएं, तुम उनको मुर्दा मत कहो। कुछ लोग ये कहते हैं कि एहतराम की बुनियाद पर अल्लाह ने कहा, इन्होंने रब की राह में गर्दन कटाई है, शहादत कबूल की है, एहतराम की बुनियाद पर मुर्दा मत कहो। हालांकि मुर्दा है, लेकिन एहतराम की बुनियाद पे मत कहो। उन जैसे लोगों को पुराने मुकद्दस की इस आयत के दूसरे टुकड़े ने जवाब दिया, वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो रब की बारगाह में शहीद किए जाएं, तुम उन्हें मुर्दा मत कहो। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुर्दा है तुम कहो मत, बल अहया वला किल्ला तशकुरून, बल्कि वो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। जो रब की बारगाह में शहीद किए जाएं, वो जिंदा है। तस्किरा करना है सैयदुल शहदा इमाम हुसैन का। आओ हुसैन की अजमत को देखो, कौन नहीं जानता हुसैन पाक की अजमत क्या है। मेरा हुसैन तो हर एतबार से लाजवाब है, हर तरीके से लाजवाब है, हर निस्बत से लाजवाब है। अगर मेरे हुसैन की निस्बत देखी जाए तो कुर्बान जाओ। अगर ये निस्बत माँ की तरफ ली जाए, माँ की तरफ ले जाकर देखा जाए, तो माँ की तरफ से सैयदना इमाम अली मकाम रदियल्लाहु तआला अन्हु की निस्बत ऐसी मजबूत और मुस्तहकम है, क्योंकि माँ ऐसी अजीम शान है, जिनकी माँ खातून जन्नत फातिमा तो जहरा है।
कौन खातून जन्नत, कौन फातिमा जहरा, वो खातून जन्नत जिनकी सवारी मैदान महशर में आएगी तो निदा कर दी जाएगी, ऐ अहले महशर अपनी नजरों को झुका लो, मुस्तफा जाने रहमत की लखते जिगर की सवारी आ रही है। कौन खातून जन्नत, वो खातून जन्नत जो 70,000 हूरों के झुरमुट में पुलिस रात को ऐसे पार कर जाएंगी जैसे बिजली चमकती है। कौन खातून कयामत जो जहरा भी है साहिरा भी है, कौन खातून कयामत जिनका नाम फातिमा तो जहरा है, जिनका नाम फातिमा है और फातिमा का माना होता है आजाद कराने वाली, और फातिमा तो जहरा अपने जानिसारों को अपने मानने वालों को जहन्नम से आजाद कराने वाली है। कौन खातून कयामत, वो खातून कयामत जिसको मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया फातिमा तो बुदअतु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरे कलेजे का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। कौन खातून कयामत, वो खातून कयामत जिनके ताल्लुक से नबी ने फरमाया फातिमा इंसानी हूर है। कौन खातून कयामत, वो खातून कयामत जिनके चाहने वालों को पाक परवरदिगारे आलम मैदान महशर में जन्नत का टिकट अता फरमाएगा। जब फातिमा जहरा की शादी हुई थी हजरत जिब्रील ने नखले तुबा को हिलाया था, जन्नती पेड़ को हिलाया था, उसमें इस तादाद में पत्ते गिरे थे। कयामत तक कितने खातून जन्नत के जानसार होंगे, फातिमा जहरा के मानने वाले होंगे, उस तादाद में उस पेड़ से पत्ते गिरे थे और वही पत्ते मैदान महशर में खातून जन्नत के जानसारों को दे दिए जाएंगे, उनके मानने वालों को जन्नत के टिकट की शक्ल में अता कर दिए जाएंगे। कौन खातून कयामत, वो खातून कयामत जब वो नमाज पढ़ती थी तो आंसू बहते थे और फरिश्ते उन आंसुओं को जमा कर लिया करते थे और शबनम की तरह अर्श पर बिखेर दिया करते थे। कौन खातून कयामत, वो खातून कयामत मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी एक रेशमी चादर लेकर आते हैं और मेरे आका उस चादर को मौलाए कायनात मौला अली को अता कर देते हैं। हजरत मौलाए कायनात मौला अली उस चादर को अपने चेहरे पे डाल लेते हैं, मेरे आका चेहरे को फेर लेते हैं। मौलाए कायनात ने पूछा या रसूल अल्लाह चेहरा फेरने की वजह क्या है, तो मेरे आका ने फरमाया ऐ अली ये चादर ओढ़ने के लिए नहीं दी है बल्कि इस चादर पे छोटे छोटे टुकड़े करो फकसिम बैनल फवातीम और जिस जिसका नाम फातिमा है एक एक टुकड़ा उसको अता कर दो। मौलाए कायनात मौला अली ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये चादर अता कर चादर के टुकड़े देने का मतलब क्या है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ऐ अली मैं फातिमा ही से मोहब्बत नहीं करता, मैं तो नामे फातिमा से भी मोहब्बत करता हूँ। मेरे आका नामे फातिमा से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उनकी बारगाह में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेशमी चादर का टुकड़ा अता कर रहे हैं। तो कुर्बान जाओ जिस बहन का नाम फातिमा होगा, जिस बेटी का नाम फातिमा होगा, जिस माँ का नाम फातिमा होगा, जिस बीवी का नाम फातिमा होगा, कल महशर कायम होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। कोई ऐसी बेटी होगी, कोई ऐसी बहन होगी जो अपने गुनाह के सबब दोज़खी हो जाएगी और निदा दी जाएगी ऐ फरिश्तों इस फातिमा को दोज़ख में डाल दो। तो जरा गौर करो जब आवाज लगाई जाएगी इस फातिमा को दोज़ख में डाल दो तो मेरे आका को कैसे गवारा होगा। जिसका नाम फातिमा हो वो जहन्नम में जाए, मेरे आका फातिमा जहरा के सदके उस नाम से प्यार करने के वसीले से उस बहन को दोज़ख से बचा लेंगे, उस बेटी को दोज़ख से बचा लेंगे, उस बीवी को दोज़ख से बचा लेंगे, उस बहन को दोज़ख से बचा लेंगे, उस माँ को दोज़ख से बचा लेंगे। आज जब नाम रखने का मामला आता है हर इंसान कहता है ऐसा नाम रखो जो किसी का ना हो, ऐसा नाम रखो जो किसी का ना हो, लेकिन आसिफ रजा तहसीनी पैगाम देता है अगर नाम रखना है तो फातिमा के नाम पर रखो। ये नाम ऐसा है जिसके घर में फातिमा नाम की एक भी बेटी होगी उसके घर में कभी खुदा का कहर नाजिल नहीं हो सकता है। उसके घर नारे नारे रिसालत अजमत फातिमा तुज़ज़हरा
ذکر شہید اعظم سبحان اللہ جس کے گھر میں فاطمہ نام کی ایک بھی بچی ہوگی اس کے گھر میں خدا کا قہر نازل نہیں ہوگا پھر محشر کا معاملہ کیا ہوگا قبر کا معاملہ کیا ہوگا یہ مولا کائنات مولا علی ہیں جن کی ماں کی طرف نسبت یہ ہے ماں اتنی عظیم الشان ہے ماں اتنی عظیم الشان ہے مصطفیٰ جس فاطمہ سے ہی پیار نہیں کرتے بلکہ ان کے نام سے بھی پیار کرتے ہیں ماں کون ہے وہ خاتون قیامت خاتون جنت ہیں کون خاتون جنت جو طیبہ بھی ہیں طاہرہ بھی ہیں جو زہرہ بھی ہیں ظاہرہ بھی ہیں جو نیرہ بھی ہیں منورہ بھی ہیں جو ساجدہ بھی ہیں راقیہ بھی ہیں جو عابدہ بھی ہیں ساجدہ بھی ہیں جو ناصرہ بھی ہیں جو ناصرہ بھی ہیں جو شاکرہ بھی ہیں کون خاتون قیامت وہ خاتون قیامت جو شفیقہ بھی ہے مشفقہ بھی ہے جو راقیہ بھی ہے ساجدہ بھی ہے جو عابدہ بھی ہے زاہدہ بھی ہے وہ خاتون قیامت جن کے تعلق سے میں نے لکھا ہے قرآن کے رموز و اسرار فاطمہ ہے سرکار دو جہان کا کردار فاطمہ ہے دیکھنے میں ستر بے بند کی اور چادر لیکن اصل میں مالک سنسار فاطمہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت فاطمۃ الزہرا ذکر شہید اعظم عاشقان امام حسین غلامان امام حسین فدایان امام حسین نعرہ تکبیر سرزمین دھنتیا بریلی شریف مفتی آصف رضا تحسینی آپ مجھے یہ بتائیے کہ سارے لوگوں نے پیسے جمع کر کے اسٹیج والوں کو دے دیے آج اسٹیج والے ہی اٹھ رہے ہیں اور آپ جمع ہوئے ہیں میں آپ سے امید کروں گا کہ آپ بھی اٹھیں گے میرا حسین ہر اعتبار سے لاجواب ہے ماں کی طرف نسبت دیکھو تو ماں بھی لاجواب ہے باپ کی طرف نسبت دیکھو تو باپ بھی لاجواب ہے باپ کون ہے باپ مولا کائنات مشکل کشا ہے مولا علی باپ ہے کون علی وہ علی جو پیدا بھی خدا کے گھر میں ہوا ہے جس کی شہادت بھی خدا کے گھر میں ہوئی ہے کون علی وہ علی جن کے تعلق سے مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے وہ علی جن کے تعلق سے نبی نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ اے علی دنیا و آخرت میں تم ہمارے بھائی ہو کون علی وہ علی جن کے تعلق سے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازے ہیں کون علی وہ علی جن کے تعلق سے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے کون علی وہ علی جو اللہ کی تیغ مسلول ہے جو نفس رسول ہے جو زوج بطول ہے جو مرد مقبول ہے جس کا دوست خدا کا مقبول ہے جس کا دشمن مردود و مجہول ہے جو امام المتقین ہے جو خلیفۃ المسلمین ہے جو امیر المومنین ہے جو وسیلہ دنیا و دین ہے جو مصطفیٰ کی جان ہے جو اسلام کی شان ہے جو منار الایمان ہے جو شمع عرفان ہے جو گلشن محمد کا باغبان ہے جو عظمت اسلام جان ایمان ہے جو اللہ کی شان ہے جو اللہ کی برہان ہے جو اسلام کی آن بان ہے جو علی محمد کا پہلوان ہے جو علی ناطق قرآن ہے جو علی حافظ قرآن ہے جو علی قاری قرآن ہے جو علی جامع قرآن ہے جس کی شان محمد کی شان ہے جو ولیوں کا سلطان ہے جو صداقت کا نشان ہے ہر ولی جس کا غلام ہے جس کے ہاتھوں میں ولایت کا نظام ہے جو علی حق کا امام ہے جس کا احترام محمد کا احترام ہے عقلوں سے بالا تر جس کا مقام ہے شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے کر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری
करी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खामोश है तो दीन की पहचान अली है, क्या बात, कर बोले तो लगता है कुरान अली है, और खैबर का किला चीख कर देता है गवाही, कुछ शक नहीं नबूवत यजदान अली है, और ये उम्मत सरकार मिटी है ना मिटेगी, इस आखिरी उम्मत के निगेबान अली है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो हुसैन जिसकी माँ लाजवाब, जिसका बाप लाजवाब, जिसके भाई हसन मुस्तफा लाजवाब, जिसके नाना का क्या पूछना, जिसके नाना नबियों के ताजदार, जिसके नाना की शान ये है, जिनके नाना के रुखसार और चेहरे के ताल्लुक से कुरान ने बदुहा कहा, जिनकी जुल्फे मुअम्मर के ताल्लुक से कुरान ने वो लैले इज़ा सजा कहा, जिनकी रफ्तार के ताल्लुक से कुरान ने सुभान अल्लज़ी असरा कहा, जिनके किरदार के ताल्लुक से कुरान ने इन्नका लआला खुल्कुल अज़ीम कहा, जिनकी अता करने और जिनके तसर्रुफ के ताल्लुक से कुरान ने मा आता तुम रसूलो फखुजू हो वमा नहाकुम अनहु फतहु, कुरान ने इरशाद फरमाया रसूल तुमको जो दे वो ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ, उससे पास आ जाओ, यानी देने वाला मेरा नबी है। खुद मेरा नबी बुखारी शरीफ में इरशाद फरमाता है इन्नी अना कासिम वल्लाहु योती, मैं बांटने वाला हूँ, अल्लाह अता करने वाला है। आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वही ताजो शरिया फरमाते हैं जहाँ पानी अता कर दे जन्नत ही बाहर है, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, अरे जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे, या रसूल अल्लाह मालिक की खुशबू तर आप हैं, अल्लाह के पैगंबर आप हैं, उम्मत के रहबर आप हैं, आलम के सरवर आप हैं, साहिब इन्ना आतैना कल कौसर आप हैं, साहिब कुरान आप हैं, मालिक के जिनान आप हैं, हबीब रहमान आप हैं, रसूल रसूल आप हैं, पैगंबर पैगंबर आप हैं, सैयदुल मुरसलीन आप हैं, शफीउल मुज़नबीन आप हैं, अनीसुल गरीबीन आप हैं, रहमतुल लिल आलमीन आप हैं, राहतुल आशिकीन आप हैं, मुरादुल मुश्ताकीन आप हैं, अल्लाह के महबूब आप हैं, हक के मतलूब आप हैं, दाने गुयूब आप हैं, आज वाले आप हैं, मेराज वाले आप हैं, काली काली जुल्फों वाले आप हैं, सुनहरी जाली वाले आप हैं, गरीबों पर शफकत फरमाने वाले आप हैं, गिरदों को उठाने वाले आप हैं, रोतों को हंसाने वाले आप हैं, धूपों को तराने वाले आप हैं, कलम कंकरों से कलमा पढ़वाने वाले आप हैं, पेड़ों से सीधा कराने वाले आप हैं, चांद को दो टुकड़े करने वाले आप हैं, डूबे सूरज को पलटाने वाले आप हैं, अल्लाह ने जमीन आपके लिए बनाई, आसमान आपके लिए बनाया, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह ने आपके लिए बनाया है, इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिजवान इरशाद फरमाते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, जमीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने कुतुबुल मदार, फैजाने शाजी और रजा, फैजाने ताजु शरिया। सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन तो हर एतबार से लाजवाब, वाह वाह वाह, दसवीं मुहर्रम है, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, दुरूद पाक पाक अल्लाह हु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दसवीं मुहर्रम है,